अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इंक्वायरी ईमेल को रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए कि आपको एक इंक्वायरी ईमेल रिसीव हुई है अब उसका रिस्पॉन्स उसका रिप्लाई किस तरीके से दिया जाए ये आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले पहले ही की तरह कि व्हाट इज एन इंक्वायरी रिस्पॉन्स ई मेल एंड हु इज रिसीविंग इट कि इंक्वायरी रिस्पॉन्स ई मेल होती क्या है और कौन उसको रिसीव करेगा तो इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले यहां पर दी गई है फर्स्टली बिफोर गेटिंग टू एन इंक्वायरी रिस्पॉन्स यू नीड टू नो वट एन एन इंक्वायरी ई मेल इज इंक्वायरी ईमेल्स आर ईमेल्स यूज्ड टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन वी ऑफन यूज अ बिजनेस इंक्वायरी ईमेल टू आस्क अ कंपनी टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स आर सर्विस इन केस यू नीड टू नो मोर वी आल्सो हैव अ गाइड ऑन इंक्वायरी ईमेल। मेल यहाँ पर सबसे पहले इंक्वायरी ईमेल मेल की डेफिनेशन दी गई है जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में भी जान चुके थे और अब है के रेस्पॉन्स सो एन इंक्वायरी रिस्पॉन्स इज सिंपली द ई मेल लिहाजा इंक्वायरी रिस्पांस एक ऐसी ई मेल होती है यू राइट इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी जो आप किसी भी इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में लिखते हैं यू रिसीव्ड अर्लियर जो कि आपको पहले से वसूल हो चुकी है तो यहां पर योर मेन गोल वाइल राइटिंग दैम इज टू मीट देंटर रिक्वेस्ट आपका यहां पर बुनियादी मकसद इस ईमेल को लिखने का सेंडर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होता है दे मे नीड यू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सेटअप ए कॉल और सेंड ए सैम्पल प्रोडक्ट उनको ज़रूरत होती है कि उनको मालूम सेंडर को मालूम प्रोवाइड की जाए उन्हें कॉल की जाए या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई सैम्पल उन्हें प्रोवाइड किया जाए यू कैन सी दिज काइंड ऑफ ई मेल एज द फर्स्ट स्टेप टू ए पोटेंशल पार्टनर इन द फ्यूचर कहते आप देख सकते हैं कि इस किस्म की ई मेल जो हैं वो एक अच्छे पार्टनर्स फ्यूचर में अच्छे पार्टनर बनने के लिए एक पहला स्टेप हुआ करती हैं कि ये एक पहला जीना है पहला एक स्टेप है कि जिनके बाद दो जो कंपनीज़ हैं या दो जो कोई इंडिविजुअल पर्सन है उनके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है ये यही पहला स्टेप है अगर ये अच्छा हो तो फिर आगे फ्यूचर में आ, हम एक बेस्ट विशेस उनके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं देयर दे आर रियली इम्पोर्टेंट लिहाजा बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं दिस इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड टच पॉइंट दैट इज़ वाई it is vital that you learn how to write an inquiry response nicely the recipient to ab hum janne ki koshish karte hain after definition ki recipient kon hai recipient simply woh hi hai jisne aapko pehle inquiry email send की. तो inquiry email का sender actually is the recipient of your email जिसको आप ईमेल लिखकर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको फुलफ़िल कर सकते करते हैं और वो आपके कंपनी के फ्यूचर के कस्टमर भी हो सकते हैं क्लाइंट हो सकते हैं या बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं कोई भी हो सकता है वो शख्स जिसको आप रेसिपिएंट के तौर पर ईमेल लिख रहे हैं इंक्वायरी रिस्पॉन्स ईमेल फॉर्मेट फार्मेट विद के फॉर्मेट किस तरीके से हो सकता है तो वही पहले की तरह सबसे पहले ओपनिंग होगी तो ओपनिंग में जो आपके पोटेंशियल पार्टनर हैं आप उन्हें सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड uh, उनका शुक्रिया अदा करेंगे थैंक्स अदा करेंगे उनको कहेंगे कि उन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी ली आपकी सर्विस में दिलचस्पी ली तो यहां पर उसने लिखा भी है कि एक मकूला है मिसल है वेल बिगन इज हाफ डन वेल बिगन इज हाफ डन मतलब जो बिगिनिंग है अच्छी बिगिनिंग वो उसको कह सकते हैं कि वो काम की आधी तकमील है तो ये अच्छी बिगिनिंग होनी चाहिए अच्छा जो ओपनिंग है वो आपका रिलेशनशिप एक फ्यूचर में अच्छा करने का अच्छा बिल्डअप करने का जो है जामिन हो सकता है तो उसके कुछ फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं ये इसने बुलेट्स की फॉर्म में दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से आप उनका शुरू में शुक्रिया अदा कर सकते हैं और ये आपकी ओपनिंग हो गई तो ये आप देख सकते हैं ये ओपनिंग जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरी र... इंक्वायरी ईमेल की ओपनिंग से क्योंकि ये रिस्पांस है तो रिस्पांस में आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आप नेक्स्ट uh, बॉडी की तरफ बढ़ेंगे तो अब है बॉडी बॉडी में आप जो है सबसे पहले तो मद्देनजर रखेंगे सेंडर की जरूरियात को जिनको आप फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है तो उसमें चंद चीजें इसने बयान की हैं जैसा कि डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड डोंट मेक योर कस्टमर वेट गो अ टू द मेन पॉइंट्स यू शुड क्लैरिफाई द नेम एंड अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वेस्ट टेल दैन हाउ यू सेंड इट एज वेल अटैच्ड इन इन द मेल सिंथिसाइज इन अ लिंक बिलो एट्सेट्रा तो आप अपने कस्टमर को ना तो वेट करवाएं ना तो कोई पेचीदा बात उन्हें कहें बल्कि स्ट्रेट फारवर्ड मेन पॉइंट्स की तरफ जाएं उन्हें क्लियर कट ज़ुमरों में जो है उनका जो भी मालूम ली गई हैं मालूम के बारे में उसका नाम या जो भी मालूम जा, वो जानना चाहते हैं वो उनको वाजान अंदाज़ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ उन्हें बताएं कि आप इंफॉर्मेशन उन्हें किस तरीके से दे रहे हैं आप उन्हें फाइल में अटैच करके दे रहे हैं ईमेल के साथ या आप उन्हें जस्ट कोई वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है तो कुछ जो भी है वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में साथ मेंशन करेंगे कि किस तरीके से आप उन्हें इंफॉर्मेशन जो उनकी मतलब इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो आप वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तो, तो किस तरीके से आप उन्हें मालूमत प्रोवाइड करेंगे कौन से फ्रेजेज होंगे यहाँ पर इसने फ्रेज लिखे हुए हैं चंद एक फ्रेजेस बुलेट की फॉर्म में टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड आइटम्स के जिस आइटम्स की जिन मालूम की रिक्वेस्ट की गई है वो आप आपूमत किस तरीके से उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो ये आ, उन्हें लिखने का जो अंदाज़ है जो फ्रेज़ज हैं वो यहाँ पर एग्ज़ैम्पल के तौर पर दिए गए हैं और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप उन्हें कि उन्हें आप एडिशनल स्टफ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए कौन से फ्रेजेज होने चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं ये फ्रेजेज यूज़ किए जा सकते हैं तो इस तरह दोनों चीज़ें मुकम्मल हो चुकी जो मालूम उन्होंने मांगी थी वो आपने दी और इसके अलावा आपने इजाफी मालूम दी जो कि Uh, इसने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताए बताया हमें कि कौन से फ्रेज़ेस यूज किए जा सकते हैं uh, मालूम के लिए और एडिशनल uh, जो इजाफी मालूम है उसके लिए और थर्ड सेक्शन हमारा है क्लोजिंग का तो क्लोजिंग यहाँ पर लिखा है कि क्लोजिंग आपकी ओपन अंदाज में होनी चाहिए ओपन मैनर में होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग इस तरीके से हो कि जो कि फ्यूचर में आपके कॉन्टेक्ट के लिए स्पेस पैदा करें क्या आप वहाँ पर अपना एक वलवला एक एंथोजिज़म उन्हें शो करें कि वो आगे से फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने पर खुश हों आपके आपसे कांटेक्ट करने पर हैप्पी फील करें तो इस तरीक़े कंफर्टेबल फील करें ऐसी क्लोजिंग होनी चाहिए कि सेंडर्स को रेसिपियन जो है जिसको मालूम हो कि भाई की जो इंक्वायरी है वो एक अच्छी इंक्वायरी रही तो यूँ हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग दरअसल ईमेल की तो क्लोजिंग है लेकिन आपके रिलेशनशिप की ओपनिंग है तो ऐसे ही कुछ फ्रेजिज यूज़ किए जाएं जो कि आपके रिलेशनशिप की ओपनिंग को शो करें आपके जोश और आपके वलवले को शो करें और आप उन्हें फ़र्दर दावत दें कि वो आपके फर्दर जो है मीटिंग कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम या जो भी जो रबे का जो जरिया है जिसे वो मुनासिब समझे वो इख्तियार कर सकते हैं तो ये कुछ चंद एक फ्रेजेज हैं जो आप क्लोजिंग में उन्हें लिख सकते हैं और फिर इसके साथ साथ आगे उसने कुछ फ्रेजिज यूज़ किए हैं शो रेडीनेस टू असिस, असिस्ट जो कि ये जाहिर करेंगे कि आप की जो आ, मदद करने का जो अंदाज है आप दूसरों की असिस्ट करने के लिए दूसरों की हेल्प करने के लिए आप फौरी हर वक्त तैयार हैं तो उसके लिए ये चंद एक फ्रेजेस दिए गए हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं और ये शो करते हैं कि आप हर वक्त दूसरों की आ, जो भी उनसे रबते में रहते हैं उनके लिए मदद करने के लिए हर वक्त उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं तो इस तरह ये चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी फ्यूचर में एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद होंगे तो यहाँ तक क्लोजिंग थी तो क्लोजिंग के बाद फर्दर कुछ यूजफुल नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जो जर्नल नोट्स हैं तो इस तरह की जरनल बातें हम पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़